जिला अस्पताल में बड़ी मरीजों की तादाद, एक पलंग पर दो तीन मरीज। इन लक्षणों के बड़े मरीज, सर्दी खांसी जुकाम बुखार दस्त पेट दर्द के मरीज, एक जगह से दूसरी जगह परेशान होते मरीज। वहीं स्टाफ की कमी भी देखने को मिली। मौजूद मेडिकल वार्ड में अभी 120 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 80 पलंग ही उपलब्ध हैं। इनमें से एक भर्ती मरीज को कल बोतल लगाई गई थी, जो खुद ब खुद निकल गई। जब मरीज ने इसकी शिकायत उपस्थित स्टाफ से की तो स्टाफ के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। वहीं भर्ती मरीज कल से आज तक अपने हाथ में बोतल लिए घूम रहा है। देखिए क्या कुछ कहा मरीजों ने और सिविल सर्जन राजकुमार ऋषिश्वर ने। विपिन प्रजापति पिछोर से। क्या समस्या है आपको? पेट दर्द हो रहा है और सर दर्द। क्या आप एक पलंग पर कितने मरीज हो? हमको पलंग नहीं मिला तो एक पलंग पर दो मरीजों को डाल दिया। मेरा सीना दर्द करता है, दिल घबराता है सर, और बच्चा भी मेरा उसमें भर्ती है, और का पर्चा भी नहीं दिया सर। और ये बोतल के कैसे ले घूम रहे हो? बोतल सर अपने आप निकल गई। मैंने कही इसमें टैप लगा दो, मैंने कि कल लगाएंगे, अब वो कल भी नहीं लगाई, अब पर्चा भी नहीं दिया, अब तक मेरा पर्चा बढ़ती है। अधिकतर किससे पीड़ित मरीज हैं? सामान्य मौसमी बीमारियों के मरीज हैं, सर्दी खांसी बुखार पेट दर्द उल्टी, तो जो सामान्य इस मौसम बदलते मौसम में है वो मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। अपने यहाँ बेड कितने उपलब्ध हैं? 400 बेड का अस्पताल है, 80 बेड अपने मेडिसिन वार्ड के लिए उपलब्ध है, जिसमें और ज़्यादा बेड लगा रखे हैं। तो जो गैलरी में लोग बैठे सर देखने में आए, एक पर तीन तीन मरीज लेटे हुए, जहाँ तक है संभव कोशिश की जा रही है कि उनको उचित उपचार मिले, जो भी बेड अपन दे सकते हैं जहाँ तक उनको उस तरह से व्यवस्था की जा रही है। पर ऐसा देखने में आया सर कि स्टाफ के ऊपर कमी दिखी है? स्टाफ सभी विभागों में बराबर बराबर बांटा गया है, जहाँ पे भी उचित होता है वहाँ शिफ्ट किया जाता है।